हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड द चैप्टर्स नेम इज द टाइनी टीचर। तो टाइनी का मतलब क्या होता है? छोटा। और टीचर तो पता है आपको क्या है। नेक्स्ट स्लाइड, चैप्टर का रीडिंग स्टार्ट करते हो। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइसेस्ट। इज इट द फ्लाई? नो, इट इजंट। Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, उन्होंने पूछा है आपने सबसे स्मार्ट इंसेक्ट कौन सा देखा? विच इज द स्मार्टेस्ट इंसेक्ट और स्मॉलेस्ट इंसेक्ट दैट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट टू। स्मार्ट स्मॉलेस्ट मतलब छोटा और वाइजेस्ट मतलब समझदार। तो क्या वो फ्लाई है? फ्लाई मतलब मक्खी? नहीं। क्या वो मच्छर है? नहीं। देन इट बस मी वॉर्म, कीड़ा, तो वो भी नहीं है। तो कौन सा है स्मॉलेस्ट बट वाइजेस्ट इंसेक्ट? एंट, चींटी। तो सबसे छोटी और सबसे स्मार्ट है। अपने को ऐसा लगता है कि वो स्मार्ट कैसे है, तो वो आगे अपने को चैप्टर में पता चलेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग पीपल हैव कैप्ट एंट्स एज पेट, उसको पेट की तरह रखा है। पेट मतलब अपने जैसे कुत्ते बिल्ली रखते ना, वैसा लोगों ने रखा है उसको। नेक्स्ट पैराग्राफ, एन एंट यूजेज इट्स फीलर और एंटीना टू टॉक टू एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप or down the wall. Each ant greets all other coming from the opposite direction by touching their feelers. अभी आपने भी चींटी लोग को देखा होगा, जब दीवार पे चलती है, कहीं पे चलती है, तो एक दूसरे से टकराती है, तो रुक के थोड़ा थोड़ा रुक के पॉज लेते हैं ना, तो क्या करते हैं वो लोग, बात करते हैं। किसके वजह, किसके बदौलत? फीलर्स या तो फिर एंटीना, उसके जो सिर के ऊपर दो रहते हैं ना, उसे एंटीना बोलते हैं। उसको टच करके वो लोग उसमें से मैसेज पास करते और इसी तरह वो बात करती। इसीलिए आपने देखा होगा हर चींटी सामने से आ रही चींटी को के सामने रुक जाती है थोड़ा और फिर आगे जाती है, देखा है ना। तो इसके लिए वजह रहते उनके पास, उनका रिजर्व क्वार्टर्स रहते हैं, मतलब रिजर्व रूम रहता है कि ये रूम उन्हीं का है, समझ आया। फिर दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। कौन? वर्कर एंट जो रहती है, जो काम करने वाले रहते हैं, उनका पूरा लाइफ किस में जाता है? सर्चिंग फॉर फूड, खाना ढूंढने में जाता है। फिर बहुत सारे रूम रहते हैं, तो उसमें से कोई रूम रहता है जिसमें लोग खाना स्टोर करते हैं। फिर जो सोल्जर्स रहते हैं, तो उनका सेपरेट बैरक रहता है, बैरक मतलब उनका भी अलग से रूम रहता है। फिर वो लोग में इतना सेंस है कि वो लोग जो वर्कर रहते हैं वो कभी सोल्जर के घर पे नहीं जाते हैं, और सोल्जर रहते वो कभी खाना ढूंढने नहीं जाते। वो लोग सब अपना अपना काम करते, एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते, समझ आया। तो देखा आपने कि एंट का लाइफ कितना पीसफुल है, क्यों? क्योंकि वो रूल्स के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि आपको इधर नहीं जाना है, इधर वाले को आपके पास नहीं आ जाना। तो वो लोग सब अपना काम कैसे करते हैं? दे वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। चींटी को डरते हुए देखा है, अब आप हाथ रख दो तो वो डर के भाग नहीं जाएगी और रास्ता ढूंढेगी दूसरा, और उसका काम वो करेगी ही करेगी, समझ आया। और वो कभी एक दूसरे के साथ झगड़ते नहीं। फिर इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है, उसमें फर्स्ट क्या है, द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। अनट्रू मतलब द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मींस, इटैलिसाइज मतलब जो टेढ़ा लिखा ना ऑलमोस्ट अनट्रू, तो उसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हाईली एग्जेगरेटेड, मतलब बहुत ज्यादा बता दिया है जो है नहीं उसके हिसाब से। टू रिमार्केबल टू बी ट्रू और नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो इन तीन में से कौन सा मतलब है वो आप बताना, या तो फिर इसमें लिख देना। फिर नीचे नेक्स्ट सेकंड नंबर पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वो आपको ये सब पैराग्राफ तीन पैराग्राफ में से ही मिल जाएगा। फिर आगे कंटिन्यू करते, द क्वीन इज द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स। इसमें जो क्वीन रहते हैं ना, जो अंडे देती है, वो कौन रहती है? मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। वो एंट हिल में उतने एरिया में जो भी चींटियां रहती है उनकी मदर कौन रहती है? वो क्वीन रहती है। और क्वीन कितने साल तक जीती है? फॉर 15 ईयर्स। क्वीन हैज अ पेयर ऑफ विंग्स।
बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। क्वीन के पास क्या ना विंग्स रहते हैं, पता देखा है आपने भी कभी चींटी देखा है जिसके पंख रहते हैं, तो वो कौन रहती है, क्वीन रहती है वो। फिर वो अपने जो पंख रहते हैं उसको चबा के खा जाते हैं, कब, आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, वेडिंग मतलब शादी ही रहता है ऐसा, पर इसमें ऐसा मतलब नहीं है, एक टाइम पीरियड रहता है उनका, तो उसका वो कौन सा पीरियड है, दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, बहुत गर्मी रहती है ना उस दिन क्वीन ऐसा करती है, क्या करती है, तो द क्वीन लीव्स द नेस्ट, नेस्ट के बाहर आती है एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट, और मेल एंट को मिलती है क्योंकि उनके पास पंख रहते, तो ऊपर हवा में जाती है सर, फिर वो जब हवा में से नीचे आती है ना क्वीन एंट, तब वो अपने पंख चबा जाती है, और उसके बाद क्या करते है, कुछ नहीं सिर्फ अंडे देते है, दे ले एग्स, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, ईच एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, अंडा जो होता है थोड़े टाइम में फूट जाता है और ग्रब्स बाहर आते हैं, ग्रब्स मतलब ये जो फोटो में देख रहे हो चीटिया कैरी कर रही है उसे ग्रब बोलते हैं, और ये काम कौन करता है, वर्कर जो रहता है वो खाना लेता है, और ये काम कौन करता है, सोल्जर्स, सोल्जर क्या करते हैं उसको गार्ड करते कि कोई आके उन्हें कुछ करे ना, जो वर्कर एंट आती है वो क्या करती है, उन्हें खिलाती है और उन्हें साफ करती है और उन्हें हवा खिलाने के लिए एक्सरसाइज और सनशाइन ये सब काम भी कौन करता है, वर्कर काम करते हैं। आप सोच सकते हो चींटियां भी ऐसा करती है, इसीलिए उसमें कहा कि देयर स्टोरी इज ट्रूली अनट्रू, इसीलिए उनका स्टोरी अपने को ऐसा लगेगा कि सच है ही नहीं, क्यों ऐसा, क्योंकि उन्हें खिलाते हैं, उन्हें अपने जैसे साफ करते वैसे साफ करते, वो बाहर हवा खाने के लिए भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते और धूप भी लेते, समझ आया। फिर टू और थ्री वीक्स लेटर ग्रब्स बिकम्स ककून्स एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर थ्री वीक्स मोर। फिर दो तीन हफ्ते बाद क्या होता है, वो जो ग्रब्स रहते वो क्या बन जाते हैं, ककून बन जाते हैं, और फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं बिना खाए पिए कुछ भी नहीं, कितने टाइम के लिए, तीन हफ्ते और, थ्री वीक्स मोर। फिर देन द ककून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंट्स अपीयर, फिर क्या होता है ककून जो रहता है वो टूट जाते हैं और चींटी बाहर आ जाती है, एकदम अच्छी हुई पूरी चींटी बन जाती है तो बाहर आ जाती है। फिर अब क्या है उनका टाइम, नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब उनके टीचिंग और ट्रेनिंग का टाइम होता है। तो न्यू एंट्स लर्न्स देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इन द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। फिर उनके टीचिंग और ट्रेनिंग के टाइम में वो कहाँ से सीखते हैं, दे लर्न फ्रॉम देयर ओल्ड एंट्स, जो कौन कौन रहते हैं, हु आर वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स एंड क्लीनर्स। फिर थोड़े हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद वो बाहर के दुनिया में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, एन एंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स सच एज बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। Why do ants want these alien creatures to live in their nests? For several reasons, some give off smell pleasant to ants' senses. अब जो ant hill रहते हैं उसमें सिर्फ ants नहीं रहते, दूसरे अदर creatures भी रहते हैं, जैसे beetles, beetle मतलब dung beetle आते हैं, ऐसा beetle आते हैं वो black color का आता है। फिर lesser breeds of ant जो चीटिया लाल और दूसरे अलग अलग टाइप की भी चींटियां था ना, उसमें से छोटी छोटी चींटियां भी रहती है अंदर, एंड ग्रीन फ्लाई जो हाउस फ्लाई था ना, जैसे मक्खियां थे वैसे एक दूसरी मक्खियां थे, ग्रीन फ्लाई बोलते हैं उसे। तो उसमें ऐसा पूछा कि ये जो एंट को रहते हैं ये सारे क्रीचर्स को उसके घर में क्यों रहने देते, वो लोग जो नेस्ट बोलते इसमें नेस्ट में क्यों रहने देते, तो उसका अलग अलग रीजन है, क्योंकि कोई कोई एंट कोई कोई कीड़े रहते वो क्या स्मेल अच्छी देते, किसके लिए, एंट्स के लिए स्मेल अच्छी रहती है, अपने लिए भले वो खराब हो पर एंट्स के लिए वो अच्छी रहती है, इसीलिए बिकॉज दे गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू एंट्स सेंसेस, प्लेजेंट मतलब अच्छी स्मेल, किसके लिए, तो नेक्स्ट अदर्स गिव स्वीट जूसेस एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स कब, द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी डू लाइक मिल्क with a touch of their antenna, they milk it just as we milk the cow. फिर एक जो कोई कीड़े रहते हो प्लेस देते, दूसरे कीड़े क्या करते हैं स्वीट जूस देते, कैसे हनी निकालते ना वैसे स्वीट जूस देते, तो वो एंट के लिए रहता उसके, उनको अच्छा लगता है इसलिए वो लोग रखते हैं उसे।
फिर कोई कोई चीज है जो वो लोग उसके पालतू कुत्ते अपने कैसे कुत्ते बिल्ली रखते हैं तो पेट की तरह रखते हैं, कौन, चीटिया, एंट्स, जैसे अपने कुत्तों और बिल्ली को रखते हैं ना वैसे। तो एंट की काव कौन है, तो ग्रीन फ्लाई, जो ग्रीन फ्लाई रहती है ना वो एंट्स की काव है, जैसे अपने काव को रखते हैं ना वैसे एंट भी ग्रीन फ्लाई को रखते हैं। क्यों, वो ग्रीन फ्लाई से वो लोग क्या लेते हैं, हनी डू, अपने जैसे गाय से दूध निकालते हैं ना वैसे ही चींटियां भी ग्रीन फ्लाई से हनी ड्यू निकालती है। अब वापस समझ आ रहा है क्यों ये कहानी को अनट्रू बोला है, क्यों चींटी की लाइफ को अनट्रू किया है, क्योंकि ये भी अपने जैसे काम करते हैं, अपने जैसे करते वैसे ही वो लोग भी करते हैं। आप सोच सकते हो कि चींटियां दूध अपने जैसे गाय से दूध निकालती है वैसे ग्रीन फ्लाई से हनी ड्यू निकाल रही है, समझ आया ना, इसीलिए वो स्टोरी का अनट्रू। फिर लास्ट हैव ह्यूमंस लर्न्ड एज मच एज एंट्स हैव, परहैप्स दे हैव, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लेनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस, एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। अब अपने ह्यूमन ने एंट से क्या सीखा, सब सीख लिया है क्या, बहुत सारा सीखा है, पर सब सीखा है वो अपने यूज नहीं कर रहे, जो अपने एंट से सीखा है। वो बहुत अच्छी टीचर है, कैसे, वो बहुत हार्ड वर्क करते वो लोग, पूरा टाइम अपना ऑलमोस्ट काम ही करते वो लोग, उनका सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत अच्छा है, सेंस ऑफ ड्यूटी मतलब अपना जो काम है वो अपना खुद करते और अच्छे से करते, डिसिप्लिन। चींटी को देखा है कभी इधर उधर भागते हुए, अब कैसे क्लास में भागते हो, वो चींटियाँ भागती है पर कब, जब अपने उसको छेड़े, अपने कुछ करे तभी, बाकी थोड़ी देर बाद देखना वो सीधा लाइन में ही जाते। फिर वो क्लैनलीनेस, उनका जो नेस्ट रहता है ना वो एकदम क्लीन रहता है, मतलब उनका जो पाथवे है उसी पे वो लोग चलते हैं, उनका रूम है वो भी ऐसा गंदा नहीं रहता है, आप कभी देखना डिस्कवरी चैनल पे बताते हैं ऐसा। वो अपने छोटे बच्चों का एकदम अच्छे से ध्यान रखते हैं, देखा ना, सोल्जर एंट उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वर्कर एंट रहते हैं उसको खिलाते हैं, नहलाता घुमाने लेके जाते हैं ऐसा। और सबसे ज्यादा क्या, वो जहाँ रहते हैं उसको उसके तरफ लॉयल है, लॉयल मतलब धोखा नहीं देते, बाकी अपने यहाँ कैसे कैसे करते लोग, ये घर से दूसरे घर चले जाते हैं, ऐसा नहीं करते वो लोग, उधर ही रहते हैं और जहाँ जन्म लेते हैं वहीं मरते और कहीं नहीं जाते वो, समझ आया, लॉयल का मतलब फर्म लॉयल्टी टू देयर लैंड वेयर दे लिव, वो जहाँ रहते हैं वहाँ उसके लिए लॉयल है वो, उसका भरोसा नहीं तोड़ते वो लोग, समझ आया। तो चींटी से वॉट वी शुड लर्न फ्रॉम टाइनी टीचर इज हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लेनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड लॉयल्टी, समझ आया। तो दिस इज द चैप्टर द टाइनी टीचर, कौन है तो वो एंट, ठीक है, समझ आया। फिर अभी इसमें से जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करके देखना, ना है तो ग्रुप पे लिखना, फिर हम लोग देख लेंगे, ठीक है, थैंक यू।